तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होंगे, क्योंकि मेरी वीडियो देखने आए हो, एक हेल्थ वाले की वीडियो देखने आए हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है किसी ना किसी को, परिवार वालों को कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी, इसीलिए आप लोग वीडियो देखने आओ। तो सीधे आज की वीडियो के टाइटल से अगर आप समझ गए हो, या आप नहीं समझे तब भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आज की वीडियो में सिर्फ आपको आसन वो मिलेंगे जो आपका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर देने वाले हैं। आपको कोई छोटी सी प्रॉब्लम है डाइजेशन की, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपको वो हो सकता है ठीक कर दे पूरी तरीके से, लेकिन मैं गारंटी नहीं लूँगा। देखो यार, डॉक्टर भी कभी गारंटी नहीं लेता अपनी दवाइयों वगैरह की, तो मैं भी अपने योगासन वगैरह की कोई भी गारंटी नहीं लूँगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास करना है हमारे भारतीय योगा और भारतीय आयुर्वेदा पे। तो सीधे हम लोग देखते हैं वो आसन कौन से हैं जो आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर पाएंगे और बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे। तो सबसे पहला जो आसन है वो आपको पवन मुक्त आसन करना है। तो इसमें कैसे करना है, आपको पहले सबसे पहले लेट जाना है पूरा। उसके बाद मैं दोनों तरीके बताऊंगा, पहले एक पैर से करने वाला, फिर दोनों पैर से करने वाला। तो सबसे पहले आपको कोई भी पैर अपना एक उठा लेना है, वो अपने चेस्ट के पास बिल्कुल ले आना है, जितना आप पास मिला। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बढ़ना है आपको। और फिर वापस आ जाना है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर से भी करना है, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अब दोनों पैर वाला बताता हूँ। तो दोनों पैर से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी चेस्ट की तरफ दोनों पैर ले जाने हैं, बिल्कुल लगाना है आपको पास में, बिल्कुल जितना हो सके। उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। और पैर बाहर खींचे रहेंगे और फिर वापस। तो सिंपल सी एक्सरसाइज आपको करनी है 5 मिनट तक। आप टाइमर लगा लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, आप 5 मिनट इसको करिए और इसके रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन में दिख जाएंगे आराम से, बढ़िया। उसके बाद दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आसन बहुत ही सिंपल है, मैं बेसिक आसन बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोग कर पाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घुटनों के बल बैठ जाना है, ठीक है, ऐसे करके जैसे कि हर एक जानवर रहता है 4 पैरों पर, वैसे ही। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरी स्पाइन का मोशन करना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से पूरा जो स्पाइन पे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब अच्छे तरीके से मोशन में आ जाए। सबसे पहले आपको ये याद रखिएगा, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सांस लेना है और सांस लेते लेते अपनी जितनी ऊपर स्पाइन आप कर पाएँ उतना ऊपर करना है, जैसे ऐसे, ठीक है, जैसे सांस ली आपने ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। उसके बाद सांस जब छोड़ेंगे तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अपनी स्पाइन को नीचे ले जाना है, जैसे गर्दन को ऊपर। अब इसको मोशन में करके देखते हैं, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा आसन है। इसको आप करेंगे तो आपका जितना भी बॉडी पार्ट है ये बिल्कुल मोशन में आ जाएगा और बहुत अच्छा आपको ये स्ट्रेस वगैरह को रिलीफ करने में भी बहुत मदद करता है और आपका जितना भी पाचन क्रिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय कर देगा। तो ये 2 बेसिक से आसन थे, अब धीरे धीरे करके लेवल इसको बढ़ाते हैं। अब जो मैं तीसरा आसन बताने वाला हूँ, इसका नाम है बाल आसन, चाइल्ड पोज। ये बहुत सारी नई नई एनर्जी आपके अंदर क्रिएट करेंगी, तो बहुत इंटरेस्टिंग आसन है। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, सिंपल सा आप देखिए, ऐसे वज्रासन के थ्रू बैठ जाना है। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं वो प्लीज़ आप लोग ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि वज्रासन बहुत ही तगड़ा आसन है। यही एक आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं और बाकी आसन नहीं कर सकते। तो आपको वज्रासन में बैठ जाना है सबसे पहले, ठीक है। ऐसे वज्रासन होता है, मैं साइड वेज से आपको दिखाता हूँ। सो ऐसे वज्रासन में आपको बैठ जाना है, थोड़ा सा आपको गैप बनानी घुटनों के बीच में, ठीक है, और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है ऐसे, और जितना आप हाथ आगे ले जा सकते हैं उतना आगे आप ले जाएंगे, जितना अपने आप को ग्राउंड पे रख पाएंगे उतना अच्छा है। और सांस लेते हुए फिर वापस आना है। इसको आप करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है, और आपका डाइजेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं, उसका नाम है मंडूक आसन। ये आसन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आसन है, इसको ज़रूर आप करिएगा, इसके बहुत मिरेकुलस बेनिफिट होते हैं, बहुत चमत्कारी इसके जो है आपको भाव दिखेंगे। तो इसमें कैसे करना है आपको मैं बता दूँ, सिंपल सा देखिए,
इसको मैं इधर भी करके दिखाता हूँ, साइड वेज में भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना है। देखिए वज्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत सारे आसन इससे होते हैं, इसीलिए आपको वज्रासन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा बट धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है, ऐसे अंगूठा अंदर करना है और ऐसे चारों उंगलियां ऐसे, और इनको कहाँ लगा लेना है, अपने पेट के बिल्कुल नीचे तरफ, ठीक है, जहाँ से थाइस जुड़ी हुई है वहाँ पे आपको लगा लेना है। और सांस छोड़ते हुए आपको नीचे की ओर जाना है, पूरा ज़मीन की तरफ। और उसके बाद सांस थोड़ा सा लेके अपने सर को ऊपर उठाना है, और यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं जैसे करते हैं। और सांस लेते हुए फिर ऊपर आना है। यह आसन स्किन के लिए भी बहुत असरदार है, क्योंकि आपने कभी भी स्किन की एक्सरसाइज कभी नहीं सुनी होगी, जो फेस है हमारा उसकी एक्सरसाइज कभी भी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये एक आसन है जो फेस की एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कराता है। इसमें क्या होता है, जब आप ब्रीथिंग लेते हो बाद में, ठीक है, जब नॉर्मल ब्रीथिंग करने लगते हो तो आपके पेट के ऊपर पूरा जो पेट है, पेट वाला सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह पड़ता रहता है, ठीक है, प्रेशर वगैरह पड़ता है, रिलीज़ होता है, पड़ता है, रिलीज़ होता है, तो बहुत अच्छा ये बेनिफिट देता है। आपको इसको साइड वेज से भी दिखा देते हैं थोड़ा कि कैसा लगता है। ये हमारा रहा वज्रासन, ये ऐसे आपको पूरी मुट्ठी बांध लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे रख लेनी है पेट के नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ये बहुत ही असरदार आसन है, आप करके ज़रूर देखिएगा ट्राई। छोटी सी बात आप लोगों से करना चाहूँगा बीच में, कि हम लोग को कोई भी कभी भी दिक्कत होती है कोई, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुरंत भागने लगते हैं डॉक्टर वगैरह के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास। बल्कि मैं सच बताऊँ तो आपकी शरीर, आपकी बॉडी जो है, आपका जो शरीर है वही आपके लिए अमृत है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लोगे, उसकी जो है आप लेवल को बढ़ा दोगे, तो आपकी बॉडी आपको ठीक करने लगेगी, ठीक है। और वैसे भी हम लोग तो जानते हैं हमारी जो भारतीय योगा है और भारतीय जो हमारी संस्कृति है और जो आयुर्वेदा है वो बहुत ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर के ऊपर। जल्दी से हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए और आसन वगैरह में थोड़ा सा इंक्लूड होना चाहिए। एक घंटा तो कम से कम देना चाहिए आसन वगैरह करने में, और खाना वगैरह भी आप अच्छा करिए। और बाकी डाइजेशन वगैरह दिक्कत किसी को भी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें पैसा मत बर्बाद करिए। दो तीन दिन आपने एक्सरसाइज करिए और आप ठीक हो जाएंगे। और आसन वगैरह, योगा वगैरह आप डेली बेसिस पर करिए, ताकि पूरी तरीके से आपका जो प्रॉब्लम है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सारी ख़त्म हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो जानते ही होंगे क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं उसको आपको पर्सनली भी बता सकूँ। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।